नमस्कार, मैं प्रज्ञा धर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार को जल्द ही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। पटना से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही है। इससे बिहार के लोगों को लखनऊ के साथ ही अयोध्या जाने की भी बेहतर सुविधा मिलेगी। पटना से लखनऊ वाया DDU अयोध्या रूट पर वंदे भारत ट्रेन का सर्वे पूरा कर लिया गया है। जल्द ही रेलवे बोर्ड इस रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन की अधिसूचना जारी कर सकता है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में पीएम मोदी ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार पीएम मोदी 76% की अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता हैं। बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट ने ही इसी साल सितंबर में पीएम मोदी को विश्व स्तर पर सबसे अधिक विश्वसनीय नेता बताया था। मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से लिए इस सर्वे में सामने आया था कि 76% लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व को मंजूरी दी है। बिहार में बालू माफिया पर लगाम लगाने के लिए नीतीश सरकार ने कमर कस ली है। प्रदेश में बालू खनन से जुड़े संवेदनशील स्थलों की पहचान होगी। यही नहीं, इन संवेदनशील स्थलों की कड़ी निगरानी भी होगी। इसके लिए यहां स्थायी चेकपोस्ट बनाए जाएंगे। हाल ही मुख्य सचिव आमिर सुभानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह जिलों में बनने वाले चेकपोस्ट योजना का ही विस्तारित रूप होगा। इसके तहत संवेदनशील स्थलों पर अलग से स्थायी चेकपोस्ट बनेंगे। सरकार ने देश में आम आदमी को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए कई पहल और कार्यक्रम शुरू किए हैं। कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण एक ऐसी ही पहल है। नालसा की स्थापना कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए पहले दिन आयोजित की गई पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग कल्याण विभाग के स्कूलों में प्राध्यापक तथा संगीत व कला विषय के शिक्षकों के लिए परीक्षा का सिरवार प्रश्न पत्र और औपबंधिक उत्तर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ऐसे में वो अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वह इसे आधिकारिक वेबसाइट https://www.bpsc.bih.nic.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है, जो पिछले बार से एक पायदान ऊपर है और उच्चतम प्रदर्शन करने वालों में बना हुआ है। वैश्विक जलवायु वार्ता COP28 के दौरान शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। पिछले वर्ष की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और ऊर्जा का इस्तेमाल करने में भारत को उच्च रैंक मिली है, लेकिन जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा के मामले की मध्यम रैंकिंग मिली है। आज यानी कि 9 दिसंबर 2023 से बिहार में पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 15 दिसंबर तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। वहीं इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक की जाएगी, जिसके बाद 20 दिसंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बता दें कि चुनाव कुल 1675 पदों के लिए होना है। वहीं इसके मतदान की प्रक्रिया 28 दिसंबर को होगी और फिर 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी को जन्मदिन पर बधाई दी और उनके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु होने की कामना की। सोनिया गांधी आज 77 साल की हो गई हैं। वह 2 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस की अध्यक्ष रही। 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के समय वह इस गठबंधन की अध्यक्ष थी और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की भी प्रमुख रह चुकी हैं। लालू प्रसाद ने अपने परिवार के साथ शनिवार को तिरुपति बालाजी का दर्शन किया। शुक्रवार को वे अपने परिवार के साथ विशेष विमान से पटना से तिरुपति बालाजी पहुंचे थे। यहां सुबह उन्होंने अपने परिवार के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर इसका फोटो शेयर कर लिखा कि आज शादी की सालगिरह के विशेष दिन पर बेटी कात्यायनी का मुंडन संस्कार भी संपन्न हुआ। देश में प्रवासियों की संख्या में भारी इजाफा की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी ही पार्टी में घिरे हुए हैं। अपनी कंजर्वेटिव पार्टी को एकजुट करने और दक्षिण पंथी गुटों को आवर्जन मुद्रों पर विद्रोह करने से रोकने के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। नए कानून के तहत ब्रिटेन अवैध तरीके यानी समुद्री मार्ग से बिना वीजा पासपोर्ट के आने वाले प्रवासियों को रोकेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नए नियमों और कड़े उपायों पर जोर देते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक ने लिखा है कि प्रवासियों का आना फायदेमंद होता है, लेकिन सिस्टम के दुरुपयोग को खत्म करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली छमाही में भारत की 7.7% GDP वृद्धि पिछले 10 वर्षों के परिवर्तनकारी सुधारों का परिणाम है। भारत गहरे लोकतांत्रिक मूल्य और व्यापार और वाणिज्य के ऐतिहासिक परंपरा वाला देश है। भारत में प्रत्येक निवेशक या कंपनी के लिए अवसरों की सबसे विविध श्रृंखला मौजूद है। प्रधानमंत्री ने यह बात आज शनिवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिनटेक से संबंधित ग्लोबल थॉट लीडरशिप प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण में कही। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 3 में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। जहां बाकी के 2 राज्यों में नए मुख्यमंत्री अपना पदभार ग्रहण कर चुके, वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने अब तक मुख्यमंत्री के नामों का खुलासा नहीं किया है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी है। टिकैत ने कहा कि देश में सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, लेकिन पीएम कुर्सी पर नया चेहरा दिखेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, जबकि तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलेगी।
संघ लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। जिन उम्मीदवारों ने पेपर दिया था वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से UPSC CMS 2023 का रिजल्ट देख सकते हैं। PSC CMS कैटेगरी 1 के लिए कुल 584 उम्मीदवार पास हुए हैं। कैटेगरी 2 परीक्षा के लिए 677 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम का फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट को लॉग इन क्रेडेंशियल में रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। SSC, MTS और हवलदार परीक्षा 2023 के माध्यम से कुल कितने पदों पर भर्ती की जाएगी इसका पूरा ब्यौरा आयोग ने दे दिया है। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC, MTS और हवलदार परीक्षा 2023 के लिए डिवाइज्ड फाइनल वैकेंसी लिस्ट जारी की है। जारी हुई लिस्ट के तहत मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के माध्यम से देश भर के विभिन्न राज्यों में किस पर कितनी भर्ती की जाएगी इसका पूरा ब्यौरा आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 148 नए मामले सामने आए और उपचाराधीन रोगियों की संख्या बढ़कर 808 हो गई है। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। सुबह 8 बजे अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 4,50,02,889 जबकि मृतकों की तादाद 5,33,306 है। आंकड़ों में कहा गया है कि 4,44,68,475 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। देश में संक्रमण से उबरने की दर 98.81% है जबकि मृत्यु दर 1.19% है। यूरोपीय संसद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन बेहद कम है। ऐसे में से चीन और अमेरिका जैसे देशों से जोड़ना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जर्मनी के नेता और यूरोपीय संसद के सदस्य पीटर लेसी ने यहां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के बाद बातचीत में कहा, जब जर्मनी में लोगों के पास दो कार है तो भारतीय लोगों के पास भी एक कार तो होनी ही चाहिए। लेसी ने कहा, हर किसी के लिए यह स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है कि संयुक्त अरब अमीरात, चीन और अमेरिका का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में भारत से बहुत अलग है। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों काफी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों के अनुसार अभिषेक ऐश्वर्या में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। वहीं अब इस बीच में हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन ने बहू ऐश्वर्या के प्रति करा रुख किया। दरअसल अमिताभ बच्चन की इंस्टाग्राम फॉलो बैक में ऐश्वर्या का नाम यानी अमिताभ ने बहू ऐश्वर्या को अनफॉलो कर दिया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। पहले एक्ट्रेस सुष्मिता मंदाना का वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद लगातार कई बॉलीवुड हस्तियों का डीप फेक वीडियो सामने आया। वहीं अब पाकिस्तान से लौटी सीमा हैदर और भारत से पाकिस्तान जाकर अपने प्रेमी से शादी करने वाली अंजू का वीडियो सुर्खियों में आया हुआ है। हाल ही में अंजू पाकिस्तान से वापस भारत लौटी है। इस वीडियो के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर ने अंजू से वीडियो कॉल पर बातचीत की और इस दौरान पाकिस्तान में हुए उनके साथ बर्ताव को लेकर चर्चा कर रही हैं। इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 की सफलता ने दुनिया भर में झंडे गाड़ दिए हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद कई विदेशी वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों ने इसकी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। अब स्वीडिश अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टर फुगलेसांग ने चंद्रयान 3 की सफलता को अद्भुत और शानदार बताया। उन्होंने कहा कि वह इसी तरह के भारतीय मिशन का इंतजार कर रहे हैं। ANI के साथ एक इंटरव्यू में फुगलेसांग ने कहा कि वह गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरते हुए देखना चाहते हैं। कन्नड़ सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री लीलावती का बीते दिन 85 साल के उम्र में निधन हो गया। उन्होंने कर्नाटक के नीलमंगला के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। एक्ट्रेस को सांस लेने में गंभीर समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लीलावती के निधन से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। तमाम सेलेब्स और फैंस सोशल मीडिया पर अभिनेत्री के निधन पर शोक जाहिर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लीलावती के निधन पर दुख जताया है। bankbazaar.com के मुताबिक आज यानी कि शनिवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 22 कैरेट सोने के भाव 58,580 रुपए प्रति 10 ग्राम, वहीं 24 कैरेट सोने के दाम 61,510 रुपए प्रति 10 ग्राम है। भोपाल के सराफा बाजार में बीते एक दिन पहले शुक्रवार को 22 कैरेट सोना 58,430 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका, जबकि 24 कैरेट सोना 61,350 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका है। यानी कि एक दिन के भीतर ही सोने के दाम में बढ़त देखने को मिली है। वर्ष 2023 अपने अंतिम चरणों में है। दिसंबर माह के खत्म होते ही नया साल 2024 शुरू हो जाएगा। साल 2023 में कई बड़ी ऐसी घटनाएं हुई जिनका देश और दुनिया पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ऐसे में बाबा वेंगा द्वारा की गई साल 2024 की भविष्यवाणी में यह बताया गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश हो सकती है। इसके साथ एक भविष्यवाणी में यह भी बताया गया है कि यूरोप में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही एक बड़ा देश जैविक हथियार का परीक्षण कर सकता है। आने वाले साल में प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी में 10 से 17 दिसंबर तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के उद्घाटन संस्करण के लिए किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया गया है। पैरा एथलीटों को अक्सर उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों के कारण विशेष और संवेदनशील चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है और इसलिए राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र ने ऐसे पेशेवरों को नियुक्त किया है जो विभिन्न चिकित्सा स्थितियों के प्रबंधन में प्रशिक्षित हैं।
रिटायर क्रिकेटरों की लीग लीजेंड्स लीग क्रिकेट में इन दिनों दुनिया के कई नामचीन सितारे खेल रहे हैं। इस लीग का फाइनल शनिवार को सुरेश रैना की कप्तानी वाली अर्बन राइजर्स हैदराबाद और हरभजन सिंह की कप्तानी वाली मणिपाल टाइगर्स के बीच खेला जाएगा। इस मैच से पहले हरभजन सिंह मीडिया से रूबरू हो रहे थे और इस दौरान उनसे जब गंभीर और श्रीसंत की लड़ाई पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने शाहरुख खान वाले फिल्मी अंदाज में इस पर रिएक्ट किया। हरभजन सिंह ने कहा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। साल 2023 जल्दी खत्म होने वाला है। नए साल में वायुसेना को तेजस फाइटर जेट का नया अवतार मिलने जा रहा है। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। नए तेजस में ज्यादा आधुनिक हथियार होंगे और बेहतर निगरानी की क्षमता होगी। बता दें कि भारतीय वायुसेना को पहला तेजस मार्क 1A फरवरी 2024 में मिलने जा रहा है। नए तेजस के साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 24 एयरक्राफ्ट हर साल करने जा रहा है। इससे वायुसेना को जेट सौंपने की रफ्तार को बढ़ाया जा सकेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट फेज 2 एग्जाम के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। NTA ने 11 से 24 दिसंबर 2023 तक आयोजित होने वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट UGCNET.NTA.AC.IN पर रिलीज कर दिए गए हैं। तिथियों में शामिल होने जा रहे कैंडिडेट्स ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में बच्चों को जुकाम बुखार हो जाता है। छोटे बच्चे की तबीयत खराब होने पर हम उन्हें चम्मच से नापकर सिरप पिला देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करके आप जाने अनजाने उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। छोटे बच्चों को दवा की बिल्कुल सही मात्रा देनी जरूरी है। दिल्ली की फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने अभिभावकों द्वारा बच्चों को दवा देने के तरीकों पर विस्तृत अध्ययन किया। इसमें दिल्ली समेत 4 मेट्रो शहर के लगभग 300 अभिभावकों को शामिल किया। स्टडी में सामने आया कि बड़ी संख्या में अभिभावक आधुनिक डिवाइस के बारे में नहीं जानते हैं। वहीं इस बारे में डॉक्टरों का मानना है कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप अपने बच्चों की दवा को सही मात्रा दे सकते हैं। भारत दुनिया में आईफोन प्रोडक्शन का हब बनने जा रहा है और आने वाले समय दुनिया का हर चौथा आईफोन भारत में बनेगा। इसके लिए आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल भारत को लेकर बड़ी योजना पर काम कर रही है। एप्पल का लक्ष्य भारत में हर साल 5 करोड़ से अधिक आईफोन निर्माण करने का है और अपने प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा चीन से बाहर शिफ्ट करना पर है। टेक दिग्गज का लक्ष्य अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर यह लक्ष्य हासिल करना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर नियंत्रण के लिए चल रहे संघर्ष के मुद्दे अपनी बात रखी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में अक्सर देरी होती है, जिससे लंबे समय तक रिक्तियां बनी रहती है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुंबई बेंच के लिए कैंपस के उद्घाटन पर बोलते हुए कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ट्रिब्यूनल बनाने का उद्देश्य था कि इससे अदालतों पर कोर्ट में लंबित मामलों के बोझ को कम किया जा सके। केंद्र सरकार इस महीने यानी दिसंबर में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक किस्त जारी करेगा और इसके बाद फरवरी में एक बार फिर दूसरी किस्त जारी करेगा। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के एक बयान में बताया गया कि वित्त वर्ष 2024 के सीरीज 3 के लिए SGB में सदस्यता की तारीख 18 से 22 दिसंबर है, जबकि सीरीज 4 के लिए सदस्यता की तारीख 12 से 16 फरवरी 2024 है। आपको बता दें कि सीरीज 1 के लिए सदस्यता 19 से 23 जून के दौरान और सीरीज 2 के लिए सदस्यता 11 से 15 सितंबर के दौरान खुली थी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद सकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, नौशद राजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम की स्थिति कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।